हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फॉर बिगनर्स की आज हमारी क्लास नंबर 30। तो जितनी शिद्दत से और जितनी ईमानदारी से मैंने ये सभी 30 क्लासेस बनाई हैं और आप सब ने भी उतनी ही ईमानदारी से इस पूरे कोर्स को किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, ये मेरा दावा है कि अगर आपने सभी 30 क्लासेस को अच्छे से फॉलो किया है और प्रैक्टिस किया है तो आई गारंटी कि आपका जो इंग्लिश का जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो अब आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, जब भी आप एक मकान बनाते हैं तो उसका अगर बेस जो फाउंडेशन है वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो उसके ऊपर की जो भी आप बिल्डिंग या स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे वो थोड़े दिनों बाद धर-धरा के गिर जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई है, तो इसी तरह आप सब मुझे सपोर्ट करते रहिए और प्यार देते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो उससे पहले, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ मेरे पीछे की जो 29 वीडियोज़ हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स की, उनको एक बार ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो आप देख सकते हैं जितने भी कमेंट्स हैं वहाँ पे बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं बच्चों को। तो आप भी उस रिजल्ट में शामिल होकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ये तीनों चीज़ें प्लीज़ कर दीजिएगा, यही मेरा इनाम होगा या मेरी गुरु दक्षिणा होगी। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं कि अब तक आपका जो फाउंडेशन है वो इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं, हमें सामना करना पड़ता है कि ये क्या है, वो क्या है, कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा कम। तो ये चीज़ें हम कैसे बताएंगे, ये चीज़ें हम इनसे बताएंगे। तो वैसे तो हम इनको डिटर्मिनर्स बोलते हैं, लेकिन बजाय कि टेक्निकल ग्रामर में ना जाके मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इनका यूज़ करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हम आज क्या करने वाले हैं, सम, एनी, लिटल, मच, मैनी, दिस, दैट, दीज, दोज। तो आपको पता चल गया होगा कि बहुत ही कॉमन यूजिंग वर्ड्स हैं ये हमारे। तो जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं कि फेसबुक का जो मेरा पेज है इंग्लिश लवर्स नंबर वन, और जो इंस्टाग्राम का पेज है इंग्लिश नंबर्स वन नंबर वन, तो ये दोनों शायद नेम सेम ही है। मैं यूज़र नेम में और जो टैग नेम है ना उसमें परेशान हो जाता हूँ, तो आप देख लीजिएगा ये कौन सा है। मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ दोस्तों, बस ये बना लिए, ऐसे ही आपका प्यार मिलता गया और मैं इस रेस में आगे आ चुका हूँ। अब दोस्तों, ये सभी जो सेंटेंस हैं, कोई भी सेंटेंस होता है तो ये जो सभी क्या काम करते हैं, ये सेंटेंस में कुछ ना कुछ निर्धारित करते हैं, कुछ ये चीज़ें डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये सुनिश्चित कर देंगे, कोई चीज़ पक्का कर देते हैं, जैसे कंफर्म कर दिया, इन्होंने बोल दिया कि मेरे पास थोड़े पैसे हैं तो वो थोड़े ही हैं, वो बता रहे हैं कि कितने हैं, ओके। सो कितना है, किसका है, ठीक है, ज़्यादा है, कम है, कितना है, वो सभी चीज़ें आपको डिटर्मिनर से ही पता चलती हैं, तो वो डिटर्मिन करते हैं। तो दोस्तों, अगर प्रोनंसिएशन की बात करें तो इसको तो हम बोलेंगे डिटर्मिन, ओके। और अगर ये है तो इसको आपने सुना होगा डिटरमाइनर्स बोलते हैं, लेकिन वो गलत है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं डिटरमिनर्स। इसको क्या बोलेंगे हम, डिटरमिनर्स, ओके। ये थोड़ी प्रोनंसिएशन अगर आप सीख लेते हो साथ साथ तो अच्छा है, कि आप अगर किसी टीचर के सामने इसको डिटरमाइनर्स बोलोगे तो थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। और मैं चाहता हूँ जो बच्चे मुझसे सीखें वो प्रोनंसिएशन तो एटलीस्ट सही अपनी बोलें। तो अब देखिए, तो ये जो सम है, हम थोड़ा सा इनका एक बार बैकग्राउंड ले लेते हैं कि ये बोलना क्या चाहते हैं, हिंदी वाले समझ जाएंगे और जो दूसरी भाषाओं वाले हैं वो मुझे सुन पाइए, जैसे उर्दू है या और कोई लैंग्वेज है। साउथ के कई स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर हम हिंदी को इतना आसानी से नहीं समझ पाते, तो मैं जो बोल रहा हूँ अगर वो भी आपको समझ आता है तो प्लीज़ थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिए। सम का मतलब होता है कुछ, ठीक है, कुछ। अब एनी का मतलब होता है कोई भी, या हम किसी इंसान के लिए लगा सकते हैं, या थोड़ा सा, ठीक है, ये भी इसी सेंस में आ जाएगा। अब फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। तो दोस्तों, हम ये जितने भी देख रहे हैं ना, इनका मतलब वही होता है कि बताते हैं कि कितना है, चाहे वो प्यार हो चाहे तकरार हो वो बताएंगे ज़रूर। देखिए, फ्यू का मतलब होता है हार्डली, मतलब ना मात्र का, ठीक है, ना के बराबर। अब अ फ्यू का मतलब होता है काम चलाओ, भाई है मेरे पास, ठीक है, लेकिन फालतू नहीं है। मान लीजिए अगर आपको एक रोटी की भूख है तो आपके पास एक ही रोटी है, तो आप कह सकते हैं कि भाई ए फ्यू है वो चीज़, ठीक है। बस एक बार समझने की कोशिश कीजिए। अब इसके प्रॉपर हम सेंटेंसेस भी करेंगे, इनको अच्छे से समझेंगे अभी, और वीडियो के एंड तक अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है शायद देख ही लेंगे, इतना प्यार आप मुझे करते हैं, तो मैं आपको क्विज भी दूंगा 10 सेंटेंसेस की, ताकि आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लें और आपको समझ में भी आ जाए। तो अब लिटल है थोड़ी मात्रा में, अ लिटल होता है ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़े से जरा सा ज़्यादा, ठीक है, लिटल मतलब थोड़ा और अ लिटल मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। अब जो मच है दोस्तों, ये बहुत
होता है, ठीक है, कि भाई उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। मैनी का मतलब भी बहुत होता है, लेकिन मच का मतलब होता है जिसको अनकाउंटेबल है, जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे पैसा है, चीनी है, दूध है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो मैनी का मतलब जैसे टेबल, कुर्सी या कोई ऐसी चीज़ जिसको हम गिन सकें उंगलियों पे, काउंटेबल हो। ओके, तो ये बस हल्का सा डिफरेंस है। अब एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इनके एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहला जो डिटर्मिनर है हमारा वो है सम, मतलब थोड़ा। तो आपने सुना होगा वो गाना कि थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। तो मेरी आवाज़ अच्छी नहीं इसलिए मैं नहीं गा रहा, आप गा सकते हैं, ठीक है। सम का मतलब होता है थोड़ा, तो ये प्लूरल में भी यूज़ होता है और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ होता है। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने दोनों के एग्जांपल लिखे हैं तो दोनों के साथ इसका यूज़ हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई थोड़ी चीनी मिलेगी, आ जाते हैं ना कई बार पड़ोसी कटोरी लेके कि थोड़ी चीनी दे दो, थोड़ी सी चाय पत्ती दे दो, ठीक है, हमारे घर मेहमान आए हैं, तो आपने देखा होगा। फिर है सम स्टूडेंट्स, मतलब कुछ विद्यार्थी होते हैं ना, सम स्टूडेंट्स आर नॉटी इन द क्लास, तो कुछ विद्यार्थी जो कक्षा में होते हैं वो बड़े शरारती होते हैं। अब है सम लेटर्स, सो शी हैज़ रिटन सम लेटर्स, कि उसने कुछ चिट्ठियां तो लिखी हैं, ठीक है, तो ये है कुछ चिट्ठियां। अब है सम मनी, डू यू हैव सम मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा है, पूछते हैं ना कई बार। फिर है सम स्वीट्स, कि कुछ मिठाइयाँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कुछ, मतलब थोड़ा सा, ठीक है। आपको इसमें बस सेंस को पकड़ना है। अगर आप बिल्कुल एक एक ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग फिर सोचेंगे कि मैं सम कैसे लगाऊं, एनी कैसे लगाऊं, ऐसे कभी भी नहीं होगा, ठीक है। धीरे धीरे अपने आप आपको पता चलता जाएगा और सेंस आप पकड़ जाएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें और सीखते जाएं इंग्लिश को। फिर है कैन यू लेट मी हैव सम पेपर, कि क्या तुम मुझे कुछ कागज़ दे सकते हो, ठीक है। Would you like some more tea? जब आप कहीं जाते हैं किसी के घर पे, तो जो होस्ट है वो पूछते हैं आपसे कि आप और चाय लेंगे, तो उनका कहने का मतलब होता है Would you like some more tea? आप कुछ और चाय लेंगे, तो आप कहेंगे हाँ मैं लूँगा, तो फिर वो आपके चाय में थोड़ा सा चाय डाल देते हैं, ठीक है, आपके कप में। अब नेक्स्ट है एनी, एनी का मतलब कुछ बचा है क्या। कई बार नेगेटिव लोग नहीं होते, तो ये तो है पॉजिटिव लोगों के लिए सम, ठीक है, आई हैव सम मनी, ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा, कि हाँ तुम उस पर भरोसा रखो, पॉजिटिव लोग। और ये है नेगेटिव एटीट्यूड वाले, देखिए ये हमेशा नेगेटिव सेंस में ही यूज़ होगा। तो सबसे पहला है आई डोंट हैव एनी मनी, कि भाई मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं कंजूस हूँ, मक्खी चूस हूँ, जो कुछ करना है कर लो, जो कुछ उखाड़ना है उखाड़ लो। तो जो कंजूस लोग होते हैं ना दोस्तों, उनके लिए वर्ड होता है माइजर, ठीक है, ये होता है कंजूस। तो देखिए साथ साथ आपकी जो प्रोनंसिएशन के साथ साथ आप क्या सीखें, वो कैब आपकी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है यू नेवर डू एनी होमवर्क। अब पेरेंट्स के लिए ये डायलॉग बहुत ही फेवरेट है, अपने बच्चे को स्कूल से आने के बाद जरूर बोलेंगे तुम कभी अपना होमवर्क नहीं करते, तुम कभी अपना होमवर्क नहीं करते। तो उसका मतलब नेगेटिव है, यू नेवर डू एनी होमवर्क, मतलब तुम कभी भी कोई होमवर्क नहीं करते। तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि कभी नहीं करते, ऐसे तो अच्छे बच्चे नहीं होते। नेक्स्ट, डू यू हैव एनी आइडिया हु आई एम। अब फिल्मों में आपने सुना होगा कि कोई भी ऐसे आ जाता है मूछों के ऐसे ताव लगा के, मेरे तो है ही नहीं, तो कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तो उसका कहने का मतलब डू यू हैव एनी आइडिया, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। तो उसमें भी कहीं ना कहीं दोस्तों ये देखिएगा, जब एनी यूज़ करते हैं ना, तो एक नेगेटिव जो सेंस है वो अपने आप आने लगती है। तो इसमें मैंने नॉट कहीं नहीं लगाया है, आप देख सकते हैं डू यू हैव एनी आइडिया, लेकिन अगर आप जब इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो आप सोचेंगे तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, डू यू हैव एनी आइडिया, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। मतलब वो ये कहना चाहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं बताऊँ मैं कौन हूँ, मैं MLA का बेटा हूँ, मैं MP का बेटा हूँ। फिर बाद में क्या होता है, एक जाबाज पुलिस वाला आता है सिंघम जैसा और एक कंटाप मारता है उसको और वो रोल होते हुए जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, अब हम देखते हैं बाकी वाले। तो नेक्स्ट है दोस्तों अ लिटल अ फ्यू, ठीक है। अब सबसे पहले लिटल और फ्यू का जो डिफरेंस है वो देखिए, लिटल और जो फ्यू है ना वो यूज़ होते हैं नेगेटिव सेंस में। जब होते हैं ना कई कंजूस लोग, उनके पास थोड़ा बहुत होता भी है तो भी नहीं बताते। मान लीजिए मेरे हाथ में एक रोटी है, ठीक है, मुझे भूख है आधी रोटी की और अगले बंदे को भी चाहिए आधी रोटी, तो वो अगर मेरे से मांगता है तो मैं देता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास तो है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो बंदे हैं ये कहते हैं कि हाँ भाई है हमारे पास, ले थोड़ा सा तू ले ले और हमारे पास भी हमारे लायक बच जाएगा। तो थोड़ा सा सेंस समझिए कि अ लिटल का मतलब
कि थोड़ा बहुत है हमारे पास और हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन जो लिटल और फ्यू है ये बिल्कुल ही कहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं, हम तो भिखारी हैं, हम तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं हमारे पास। तो आप देखिए कि कुछ नहीं है, ठीक है, इनके पास अगर कुछ होता भी है ना तो देते नहीं है, तो ऐसे लोग समझ लिए लिटल और फ्यू का यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर ये नेगेटिव सेंस में होता है, जब आपको बताना होता है कि आई हैव फ्यू मनी, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। मान लीजिए आपके दोस्त है ही नहीं, तो आप ये नहीं कहेंगे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। तो अगर आपने बोला आई हैव फ्यू फ्रेंड्स तो उसका मतलब है कि ना के बराबर हैं भाई, एक आधा है भी और नहीं भी कुछ मतलब है नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स तो इसका मतलब आपके दो चार दोस्त हैं, उनको आप ज़्यादा नहीं बता सकते कि भाई बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, लेकिन आप कुछ अगर कहेंगे तो वो फ्यू में आएगा। अगर आप कहेंगे भाई एक आधा ही है, नाम के बराबर है, नाममात्र है, ठीक है, तो वो आएगा फ्यू। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। अब है दोस्तों ये अ लिटल पॉजिटिव सेंस में होगा कि भाई थोड़ा है लेकिन हम सेटिस्फाई हैं, ठीक है ना, वही सेम चीज़ आ जाती है सम वाली कि थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है, ठीक है, ये फिट बैठता है हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा मान लीजिए अगर पैसे की बात करें तो ये पुअर फैमिलीज पे होगा कि भाई उनके पास नाम मात्र का मतलब कुछ है ही नहीं, इतना है कि वो खुद का गुजारा चले, ठीक है। तो आप ये भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर कोई कंजूस हो बताना ना चाहे तो वो भी यही सोच रखेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये अनकाउंटेड जो प्लूरल है ना उनके साथ आएगा। तो इस अगर सेंटेंस में देखा जाए तो ये बता रहा है कि अ लिटल बटर, तो इसमें ये कहने का मतलब है कि बटर जो है वो अनकाउंटेबल क्यों हुआ, क्योंकि बटर को आप ये नहीं कह सकते एक बटर, दो बटर, तीन बटर, समझे, आप स्लाइस ऑफ बटर बोलते हैं। इसी तरह अगर आप इंग्लिश की बात करें तो आप एक इंग्लिश, दो इंग्लिश, तीन इंग्लिश, सिंपल सा फंडा है दोस्तों। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो जाओ तो आप ये सोचो काउंटेबल मतलब काउंटिंग, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच वो वाली काउंटिंग, तो उसमें अगर आप गिन सको तो आपका काउंटेबल ना होना है, ठीक है। अगर आप उंगलियों पर गिन ना सको, जैसे दूध है, तो आप कभी ये तो नहीं कहोगे ना एक दूध, दो दूध, तीन दूध, आप हमेशा ये कहोगे वन ग्लास ऑफ वाटर या वन ग्लास ऑफ मिल्क, है ना। तो ये जितने भी लिक्विड क्वांटिटी में होता है दोस्तों, इसको एक दो तीन न्यूमेरिकल नहीं बोल सकते, तो ये कौन से होते हैं हमारे अनकाउंटेबल। समझ आया दोस्तों, ध्यान से देखिए, देर इज अ लिटल बटर फॉर दिस केक, कि भाई इस केक के लिए मेरे पास थोड़ा सा बटर है कि भाई काम चल जाएगा हमारा। ही स्पीक्स अ लिटल इंग्लिश, कि बोला यार वो टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता है लेकिन फिर भी काम चल जाता है। तो अभी अगर हम बेसिक जो बिगनर्स हैं हम इस स्टेज पे हैं तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अ फ्यू, ये पॉजिटिव सेंस में ही रहेगा क्योंकि लिटल और जो फ्यू हैं वो रहते हैं नेगेटिव सेंस में। अब अ फ्यू जो पॉजिटिव सेंस में है ये काउंटेबल रहेगा दोस्तों, प्लूरल जो भी है कि भाई कुछ तो है हमारे पास, ठीक है, इसी तरह कि भाई थोड़ा है कोई बात नहीं। अब अ फ्यू स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, अब मान लीजिए किसी टीचर ने पूरे ही साल मेहनत से आप लोगों को पढ़ाया है और कुछ बच्चे पास हो जाते हैं, तो बजाय कि गलत सोचने के कि यार मेरे स्टूडेंट्स मतलब पास नहीं हो पाए, वो तो सोचना चाहिए कि भाई कहाँ आप गलत गए, लेकिन फिर भी आपको ये खुशी होनी चाहिए कि हाँ भाई कोई बच्चे पास हुए हैं या किसी बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट स्टूडेंट। अ फ्यू स्टूडेंट्स पास दी एग्जाम, तो हो सकता है ये एग्जाम नीट का एग्जाम हो या IAS का एग्जाम हो, ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव सोच रखो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है देयर आर ओनली अ फ्यू बनानाज लेफ्ट, कि भाई टोकरी में कुछ ही केले बचे हुए हैं, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं देयर वर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन माई क्लास यस्टरडे, तो एक टीचर है मेरे जैसा, अगर मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स आते हैं तो भी मुझे खुशी होती है, चाहे एक स्टूडेंट क्लास में आए तो भी मैं उसको पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आप पॉजिटिव अगर अप्रोच रखेंगे तो आपके लिए अ लिटल और अ फ्यू है, अगर आप नेगेटिव अप्रोच रखना चाहते हैं तो आपके लिए लिटल है, फ्यू है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपने ये सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से नोटबुक में लिखा और प्रैक्टिस किया, क्योंकि इंग्लिश सीखने का एक ही मंत्र है दोस्त, तो वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जैसे फिल्मों में एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, उसी तरह यहाँ पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो करते रहिए और इंग्लिश को सीखते रहिए। अब हम करते हैं बचे हुए हमारे डिटर्मिनर्स, फिर हम करेंगे हमारी इंटरेस्टिंग क्विज। सो फ्रेंड्स वी हैव कम टू द इंटरेस्टिंग डिटर्मिनर्स हियर, अब है मच मैनी दिस दीज दैट और दोज। अब सबसे पहले हम करेंगे मच, तो ये आप ध्यान रखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल और अनकाउंटेबल का ध्यान रखना है। मैंने बताया था एक दो तीन उंगलियों वाले क्या होंगे काउंटेबल, और जिनको हम उंगलियों पे ना गिन सके अनकाउंटेबल, सिंपल। अब देखिए मच जो कहता है ये कहता है कि बहुत, मच का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत।
आई डोंट हैव मच शुगर, कि वो कहता है कि मेरे पास ज़्यादा नहीं है, बहुत चीनी नहीं है। वही पड़ोसी दोबारा फिर से मांगने आ गया, तो अब की बार आप मना करोगे ना? बिल्कुल, आप कहोगे आई डोंट हैव मच शुगर। अच्छी बात है, एक बार हेल्प करो, बार बार आदत बन जाती है, आदत नहीं बिगाड़नी चाहिए। फिर है देयर इजंट मच होमवर्क टू डू। अब वही पीछे वाला सेंटेंस कहा था ना पेरेंट्स ने, यू डू नॉट डू एनी होमवर्क, इसका मतलब तुम कोई भी होमवर्क नहीं करते हो नेगेटिव सेंस में। तो बच्चा क्या कहता है, बच्चा कहेगा कि देयर इजंट मच होमवर्क टू डू, कि भाई इतना ज़्यादा होमवर्क है ही नहीं करने के लिए, तो मैं क्यों मतलब करूँ, क्या करूँ। तो फिर वो कहता है कि मैं खेलने जाऊँगा, ठीक है, और उसको एक्सक्यूज मिल जाता है, वो भाग जाता है। She doesn't eat much fruits. तो मान लीजिए कोई महिला है, तो वो बता रही है अपनी बेटी के बारे में, अपनी फ्रेंड के बारे में, कि वह ज़्यादा फल नहीं खाती है। तो बहुत ज़्यादा, आप इसको कैसे भी याद रख सकते हैं, ये ज़्यादा लिख दिया, ये ज़्यादा गंदा तो नहीं हो गया, वो आप बताएंगे, ये राइटिंग ज़्यादा गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदी है। अब देखिए, मैनी मैनी होता है काउंटेबल, ही डज नॉट हैव मैनी बुक्स, कि भाई उसके पास ज़्यादा किताबें नहीं हैं। सेंस वही है दोस्तों, वो है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ये है काउंटेबल नाउन के लिए। फिर आएगा नेक्स्ट, वी डोंट हैव मैनी ऑरेंजेस, कि हमारे पास ज़्यादा संतरे नहीं हैं। ओके, अब दोस्तों आप इसको भी देख सकते हैं, ये गब्बर का डायलॉग है शोले मूवी से, अरे ओ सांभा कितने आदमी थे। तो इसका प्रोनंसिएशन तो दोस्तों थोड़ा डिफिकल्ट होएगा, हे सैम्बा हाउ मैनी मैन वर देयर, ठीक है, कि हाउ मैनी मैन वर देयर। तो ये मूवी थोड़ा सा मैं हूँ फिल्मी टाइप का बताया था, तो कितने आदमी थे का क्या मतलब बनेगा, हाउ मैनी मैन वर देयर, कि वहाँ कितने आदमी थे, ठीक है। वहाँ वो इम्प्लाइड है, ऑब्वियस सी बात है, वो कहीं और की बात कर रहा है। नाउ दिस एंड दीज, जो दिस है ना वो सिंगुलर है। अब मान लीजिए आपके मेरे पास ये मार्कर है, तो मैं कहूँगा दिस मार्कर इज माइन, ये मार्कर मेरा है। तो ये मुझसे अगर दूर चला जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि दैट मार्कर इज माइन। तो मान लीजिए कोई चीज़ आपके पोजेशन में हो, आपके बिल्कुल पास हो, ठीक है, तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे दिस का। अगर एक से ज़्यादा मार्कर हैं तो आप यूज़ करेंगे दीज का, तो दिस एंड दीज। तो जो पास वाला ऑब्जेक्ट है उसके लिए दिस, एक के लिए, और ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसके लिए दीज। अब एग्जांपल देखिए, लुक एट दिस बुक हियर, तो ये मतलब दोस्तों एक बात और है इसमें, तो हियर का यूज़ अगर आप करना चाहें सेंटेंस बनाते वक्त, तो अगले बंदे को क्लैरिटी हो जाती है कि वो कहाँ की बात कर रहा है। हियर मतलब यहाँ, मतलब मेरे पास, ओवर देयर मतलब उस तरफ। अब देखिए ओवर देयर, ये मैं आगे करवाऊंगा, लेकिन फिर भी ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जो दूर वाली चीज़ें हैं ना उनके लिए हम कह देते हैं ओवर देयर। जैसा कि मैंने इसमें भी लिखा था, हाउ मैनी मैन वर देयर मतलब वहाँ, देयर का मतलब वहाँ, हियर का मतलब यहाँ। जो हियर है मतलब पास में है, उसके लिए तो क्या यूज़ करेंगे, दिस और दीज, और जो ओवर देयर है वहाँ है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे दैट एंड दोज। ओके, दूर एक चीज़ दैट, और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं दोज। ओके, दिस एंड दीज, अगर दो या तीन मार्कर हैं, अगर आप कहो तो मैं उठा लेता हूँ। अब देखिए ये चार मार्कर हैं, दिस मार्कर इज माइन, दीज मार्कर्स आर माइन। अब देखिए दैट मार्कर इज माइन, दोज मार्कर्स आर माइन, तो शायद थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपको। अब है दैट दोज का, दूर वाले जो ऑब्जेक्ट एक तो दैट, और ऑब्जेक्ट्स हों तो दोज। अब एग्जांपल देखिए, दोज आर माय फ्रेंड्स ओवर देयर, तो आप कहते हो ना कई बार, भाई वो वहाँ जो लड़के खड़े हैं ना वो मेरे दोस्त हैं, ठीक है, तो हवा मारने के लिए जो भी आप कहते हो कि वो जो वहाँ लड़के खड़े हैं वो मेरे दोस्त हैं। दैट बॉक्स ओवर देयर इज एम्प्टी, आप कह रहे हो कि वहाँ जो बक्सा रखा हुआ है आपसे दूर है थोड़ा सा, आप कह रहे हो कि वो बक्सा खाली है, वो बक्सा खाली है। अब आप किसी को ऑर्डर देते हो कि गो देयर, वहाँ जाओ, तो वो बंदा आपसे दूर ऑलरेडी चला गया, वन पॉइंट। फिर एंड ब्रिंग मी दैट बॉक्स, और मुझे वो बक्सा जो कि खाली बक्सा है वो लाकर दो। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं हमारी क्विज, आई होप कि आप सबने अच्छे से पूरे लेसन को समझा है। आप एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर सकते हैं अगर नहीं समझ आया तो, क्विज करने से पहले, और ये अटैम्प्ट आपको बहुत ईमानदारी से देना है, ऐसा मैं आप सब पर विश्वास करता हूँ।
सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन विद आवर क्विज टुडे। ये हमारी क्विज है, 10 फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आज हमने अभी डिटरमिनर्स किए हैं उन्हीं के बेसिस पे। तो मैंने कोशिश की है कि हर डिटरमिनर को मैं इसमें लेकर आऊँ, तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस क्विज को सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है तो इट्स गुड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्विज। आई होप आप सब ने अटेम्प्ट अच्छे से किया है, ईमानदारी से किया है। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे सभी बच्चे जो मुझे देखते हैं ना, वो मेरी ही तरह ईमानदार हैं, गलीबल हैं, ठीक है, मासूम हैं। ओके, तो देखिए अब है वी नीड डैश मोर कॉफी। तो मैंने आपको बताया था काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। वी नीड एनी मोर कॉफी या सम मोर कॉफी, ये पॉजिटिव सेंस में है या नेगेटिव सेंस में, ये देखिए सबसे पहले आप। तो इसमें आएगा सम, ठीक है। नेक्स्ट है अमित हैज नॉट मच मनी, क्योंकि मनी काउंटेबल में आ गया। मनी आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मेरे पास 1 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, ठीक है, 100 पैसे, वो पैसा अलग है, ठीक है। लेकिन आपके पास धन, आप ये नहीं कह सकते कि 1 धन, 5 धन, 10 धन, वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर नॉट डैश कार्स ऑन द स्ट्रीट। तो जो गाड़ियां हैं वो काउंटेबल हैं अनकाउंटेबल हैं, तो आप खुद ही लगा सकते हैं मच और मैनी में से कौन सा आएगा, मैनी आएगा। अब है आई एम हैविंग डैश प्रॉब्लम्स विथ माई कार, कि मेरे पास कोई दिक्कत है मेरी गाड़ी को, तो मुझे कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो इसमें क्या आएगा, सम आएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव की सेंस नहीं है, ठीक है, गाड़ी के साथ कुछ दिक्कत है तो दैट विल बी सम। नेक्स्ट है ही इज पुअर, कि वह गरीब है, सो इसलिए ही हैज डैश क्लोथ। तो गरीब है तो जाहिर सी बात है उसके पास कम कपड़े होंगे, और कपड़े जो हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, वो होते हैं फ्यू, क्योंकि हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास कितने कपड़े हैं हम काउंट कर सकते हैं। डू यू प्ले डैश फुटबॉल, कि क्या आप फुटबॉल खेलते हो, तो 1 फुटबॉल 10 फुटबॉल गेम के उस पर तो नहीं होता ना, तो इसमें क्या आएगा, मच, कि आप खेल कितना लेते हो, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं खेलता, आई डोंट प्ले मच, तो ये वो वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैव रेड डैश नॉवल्स, तो अ लिटल जो है वो अनकाउंटेबल के साथ आता है, अ फ्यू जो है वो है काउंटेबल के साथ, भाई मैंने नाम मात्र के ही नॉवल पढ़े हैं। ये दोस्तों एक बार मेरे साथ भी हुआ था, जब आप अपनी हॉबी बताते हैं, माय फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग नॉवल्स, हर कोई झूठ बोलता है, 90% झूठ ही बोलते हैं, तो मैंने भी ये बोल दिया था एक इंटरव्यू में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका था ओके सो व्हाट जॉनरा यू आर इंटरेस्टेड इन, तो फिर मैं हिल गया, मैंने कहा भाई ये तो कुछ हो रही है, मेरे मुँह से निकल गया कॉमिक्स। तो आसपास वाले जितने भी थे ना वो सारे हंसने लग गए, मैंने चुपचाप अपना फोल्डर उठाया और वहाँ से भाग लिया। तो देख लीजिए कि ये भी कोई वैसी ही सिचुएशन है। नेक्स्ट है डैश हाउसेज आर बिग बट चीप, कि वो घर बड़े तो हैं लेकिन सस्ते हैं, भाई दिखता बड़ा है लेकिन कई बार सस्ते भी होती है चीज़, तो दैट आएगा, दोज आएगा, हाउसेज है तो क्या आएगा, दोज आएगा, ठीक है। डैश पेन इज गुड, तो दोज पेन सिंगल है तो आपका दिस आ गया। लास्ट टेक दैट फोल्डर एंड पुट इट ओवर देयर, कि भाई ये फोल्डर लो और इस फोल्डर को वहाँ रखो। तो जब आप फोल्डर कह रहे हो किसी को कि ये फोल्डर लो, तो वो चीज़ आपके पास है या दूर है, आपके पास है ना कि दूर, तो क्या आएगा, दिस। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने अच्छे से इस क्विज को किया होगा, और मुझे बहुत खुशी होगी आप जब कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि किस किस के कितने मार्क्स आए। तो दोस्तों अगर मेरी आज की कोशिश भी आपको पसंद आई हो हमेशा की तरह, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ। और इस वीडियो के साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करूँगा एज ए टीचर, कि आज जो मेरा ये पूरा 30 क्लासेज का कोर्स हो चुका है स्पोकन इंग्लिश का बिगनर्स के लिए, प्लीज़ जितना हो सके इस पूरे कोर्स की 30 की 30 वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ऐसे बच्चों के साथ शेयर करो जो शायद महंगे इंस्टीट्यूट्स की फ़ी को अफोर्ड नहीं कर पाते हों, और उनको फ्री में थोड़ा सा इंग्लिश बोलना अगर आ जाए तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।